ये देखिए दोस्तों, आज हमने बनाया है ब्रेड रोल। ये एक ऐसी डिश है जो छोटों से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आती है, और इसे बनाना इतना आसान है ना दोस्तों कि आप भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राहुल किचन में। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने 6 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया है। अब इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक प्याज, 4 हरी मिर्चें और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। इन सभी को हमने बारीक काट लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। सारे मसाले डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। इसे हम साइड रख देंगे। हमने एक बर्तन में थोड़ा पानी लिया है और उसमें ब्रेड को ऐसे डिप करेंगे और सारा उसका पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच आलू का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद इसे चारों तरफ से बंद करके अपने दोनों हाथों से दबाएंगे और इसे राउंड शेप देंगे। ये देखिए, हमने अपने रोल को शेप दे दी है। बाकी हम सारे बचे हुए ब्रेड को भी ऐसे ही शेप देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे रोलों को शेप देकर रेडी कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे रोल्स को डालकर सेकेंगे। गैस की फ्लेम दोस्तों हमें मीडियम रखनी है, अगर तेज कर देंगे तो ये जल जाएंगे। एक तरफ लाइट कलर आने के बाद हमें अलट पलट के सेकेंगे ताकि पूरा अच्छे से सिक जाए। ये देखिए दोस्तों, हमें जैसा कलर चाहिए था हमारे रोल्स पर ऐसा ही कलर आने लगा है। ये अच्छे से सिक चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। अब हम अपने सारे रोलों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे कुरकुरे ब्रेड रोल बनकर रेडी हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।